नमस्ते दोस्तों, आज बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो तीन राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों ही राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने भारी मतों से जीत दर्ज की थी। और अब उसके लिए जो विधायक दल का नेता चुनने के लिए आज जो भारतीय जनता पार्टी ने पर्यवेक्षकों की घोषणा कर दी है, और जल्द ही वो लोग जो पर्यवेक्षक हैं वो विधायक दल का नेता चुनेंगे और सभी जो विधायक हैं अपने अपने राज्यों में जीते हुए उनके साथ बातचीत करेंगे। तो आज इसके ऊपर हमारे साथ चर्चा करने के लिए, सच कहूँ, राजस्थान के ब्यूरो हेड गुरजन सिंह जी हमारे साथ हैं। तो आपका स्वागत है गुरजन सिंह जी। तो बताइए, इसमें क्या है अपडेट, कौन कौन लोग हैं? मैं आपको बता दूं कि आपके साथ में वो पहले जो बीजेपी का जो ऑर्डर है, मैं एक बार आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी का आज जो नाम की जो घोषणा हुई है, उसके लिए राजस्थान के लिए जो है केंद्रीय रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, उनको नियुक्त किया गया। इसके अलावा जो राज्यसभा की सांसद हैं सरोज पांडे, उनका नाम है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय महासचिव है विनोद तावड़े, उनको भी लिया गया है। अब हम मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, और इसके अलावा जो ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर के लक्ष्मण हैं, और राष्ट्रीय जो सचिव हैं आशा लाकड़ा हैं। और इसके साथ ही जो छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसके लिए केंद्रीय जनजातीय मंत्री भारत सरकार अर्जुन मुंडा, और केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग के जो मंत्री हैं सर्वानंद सोनोवाल, जो कि असम के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा वो आयुष मंत्री मंत्रालय का कार्यभार भी देख रहे हैं। और इसके अलावा जो है राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम, उनको जो है इन राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और जो राजस्थान के जो राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी मुख्यालय के अरुण सिंह जी ने जो है इसका जो है ना आज ही निर्देश जारी किए हैं, जिसकी सूचना मीडिया को भी उन्होंने शेयर की है। तो गुरुजन जी, इसके ऊपर क्या आपका है, मतलब कि किस तरह से इसको देखते हैं? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग कयास लगा रहे कब मुख्यमंत्री का निर्णय होगा, कब पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे, तो इन जो मुद्दों को लेकर पहला विराम तो लग चुका है पब्लिक का कि पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए। राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। अब सिर्फ मुद्दा इस बात का रह गया कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसको लेकर विधायक दल की बैठक जो सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि परसों रविवार को विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है जयपुर में। जी, ओके। तो जिस तरह से, क्योंकि ये जो तीनों ही राज्य के पर्यवेक्षक की सूची में देख रहा था, काफी बड़े चेहरे हैं, और जो कि जैसे सर्वानंद सोनोवाल और राजनाथ सिंह जी तो खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पास एक लंबा अनुभव है। इसके अलावा भी जो दूसरे जो सदस्य हैं उनके पास भी एक अपने अपने क्षेत्र में, और जो कार्यभार उनके पास सौंपा गया है उनका लंबा एक अनुभव है उनके पास। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की। तो राजस्थान में आप राजनाथ सिंह जी और उनकी जो टीम है जिनको केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है, उनको किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, राजस्थान से राजनाथ सिंह का पुराना नाता है और ये पुराने समय से राजस्थान को बड़ी बारीकी से समझते भी हैं और खुद एक राजपूत नेता रहे हैं। तो राजपूत नेताओं की जिस हिसाब से राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर जो दौड़ भाग हो रही है उसके हिसाब से राजनाथ सिंह मुझे लग रहा है परफेक्ट नेता है, जो एक ऐसे व्यक्ति का चयन कर लेंगे जो कि राजस्थान में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी पार्टी को 25 सीटों में से अधिकतम सीटें जिताने में सफल रहें। इस तरह के नेता का चयन मुझे लगता है किया जाएगा। अच्छा, और अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। तो मध्य प्रदेश में जैसे मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के जो सीएम हैं, उनको ये दायित्व, इनके नेतृत्व में जो है टीम पर्यवेक्षकों का गठन किया गया है, जिसमें डॉक्टर के लक्ष्मण भी हैं और आशा लाकड़ा भी हैं। तो उसके बारे में कुछ आपका व्यू? मनोहरलाल खट्टर का अनुभव भी काफ़ी पुराना है, लेकिन मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से देखें तो तालमेल बैठाने में सक्षम है। ऐसा नहीं है कि वो
कोई बगावत हो या कोई प्रेशर की राजनीति में आएंगे, वो मुझे लग रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व में ने उनका जो चयन किया है बहुत सोच समझ के किया है, और ने जो केंद्रीय नेतृत्व की इच्छा है उसके अकॉर्डिंग उनकी भावनाओं को समझते हुए वे एक ऐसे सर्वमान्य लीडर को केंद्रीय नेतृत्व के सामने प्रस्तुत कर देंगे जो सब नेताओं को विधायकों को एक मान्य होगा और बहुत अच्छे से भाजपा पूरे 5 साल तक शासन करेगी बिना किसी विवाद के। अब अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अर्जुन मुंडा जो कि केंद्र में मंत्री हैं और सर्वानंद सोनोवाल जो कि खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी केंद्र में जो है तीन तीन चार चार मंत्रालयों का कार्यभार वो देख रहे हैं, तो उसके बारे में भी बता दीजिए थोड़ा। अर्जुन मुंडा का भी अनुभव कोई कम नहीं है। अर्जुन मुंडा झारखंड में बहुत बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं और झारखंड का पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ है और उन्हें अपने पड़ोसी राज्य के बारे में बहुत बारीकी से जानकारी भी है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ और झारखंड एक दोनों समान राज्य थे और उसी में से निकला हुआ एक अलग प्रदेश बना है, तो इनको पता है कि कौन से नेता को इस क्षेत्र की मतलब छत्तीसगढ़ का दायित्व सौंपा जा सकता है और वो नेता छत्तीसगढ़ को विकास के मामले में आगामी लोकसभा चुनाव के मामले में आगे बढ़ा सकता है। जी, तो अभी इन तीनों राज्यों में जो है मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हुई नहीं है, और जिस तरह से यहाँ के, मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो शिवराज सिंह चौहान तो पहले कह चुके हैं कि मैं मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर हूँ। राजस्थान की अगर बात करें तो वसुंधरा राजे के साथ में करीबन 10 के लगभग नाम है जिनके ऊपर चर्चा चल रही है पिछले कई दिनों से, जब से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो क्या लगता है आपको? नहीं देखो, मुख्यमंत्री एक बनने की इच्छा तो सबकी होती है, वो एक कहने को मीडिया में कुछ भी सोचे, लेकिन हार्दिक इच्छा तो हर लीडर चाहता है कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसी कारण वो ठीक है, मीडिया में बयान देने के लिए अच्छी बात है, वो बयान देते हैं ताकि केंद्रीय नेतृत्व में पाक साफ रहे, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि शिवराज सिंह चौहान सबसे प्रमुख दावेदारों में से एक है। और इधर बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में तो वसुंधरा राजे नंबर वन नेता के रूप में, सर्वमान्य नेता के रूप में, जो बाड़ेबंदी उनकी तरफ से आरोप लगा है कि इनका बेटा बाड़ेबंदी भी कर रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान दोनों अपने अपने राज्य में सीएम के दावेदारों में से सबसे अव्वल नंबर पे हैं। अब बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में तो गजेंद्र सिंह शेखावत भी हैं, अश्विनी वैष्णव का नाम भी आ रहा है, बाबा बालकनाथ का नाम भी आ रहा है, दिया कुमारी का भी नाम आ रहा है और किरोड़ीलाल मीणा का भी आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे के होते रहते ये इस तरह की चीजें केंद्रीय नेतृत्व के जो केंद्र के बड़े नेता अश्विनी वैष्णव कहें या गजेंद्र शेखावत कहें या अर्जुन मेघवाल जी को कहें, इनको तो मुझे लगता है कि वसुंधरा जी स्वीकार कर लेंगी अगर एज ए सीएम इनको घोषित कर दिया जाता है, लेकिन जो इनके समान नेता हैं, जो इनके इनके कार्यकाल में इनके सुपरविजन में रहे हुए नेता जिन्होंने इनके नेतृत्व में काम किया है, उन नेताओं को मुझे नहीं लगता है कि वसुंधरा राजे उनको बर्दाश्त कर पाएंगी। और अगर छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो क्या आपको लगता है छत्तीसगढ़ में कौन हो सकता है सीएम का चेहरा? अब लोकसभा चुनाव के देखते हुए बीजेपी छत्तीसगढ़ में हो सकता है कोई एक्सपेरिमेंट करे, लेकिन रमन सिंह से बेहतर कोई मुझे नहीं लगता है कि रमन सिंह से कोई बेहतर सीएम का दावेदार हो सकता है। अन्य नेताओं का ठीक है, उनको केंद्रीय नेतृत्व तो मान सकता है कि हाँ इनको ले लें ताकि दूरगामी सोच के आधार पे देखें, क्योंकि आयु के हिसाब से देखें तो रमन सिंह काफ़ी एज हो चुकी है, लेकिन उनको एक नई लीडरशिप लेके आनी है बीजेपी को लंबा चलने के लिए, आगामी चुनाव में अपने सफलता के लिए पार्टी के लिए, तो उस हिसाब से हो सकता है बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व किसी नए चेहरे को छत्तीसगढ़ में सीएम बना सकता है। यहाँ एक बात आपसे मैं जानना चाहूंगा गुरजन जी, कि अगर राजस्थान में 115 विधायक ऑलरेडी जीत चुके हैं भाजपा के, उसके बावजूद जो कल से बाड़ेबंदी की जो खबर आ रही है, उसमें क्या लगता है आपको? कि कहा जा रहा है कि दुष्यंत सिंह ने इनको विधायकों को वहां बना के जो होटल है अपना राजस्थान करके उसमें रखा हुआ है, उसमें क्या सच्चाई है, निकल के आ रही है सामने?
नहीं, मुझे लगता है ये चीजें निराधार लग रही हैं, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री की दावेदार वसुंधरा राजे सिंधिया ने दुष्यंत सिंह के साथ जाके केंद्रीय नेतृत्व को अपना स्पष्टीकरण दे दिया, और वो भी 1 घंटे से ज्यादा चली वार्ता में स्पष्टीकरण दिया गया। अगर केंद्रीय नेतृत्व संतुष्ट होगा तभी वसुंधरा राजे को कोई संतोषजनक जवाब दिया होगा, इसलिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये जो क्योंकि राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्य जो है, क्योंकि भाजपा ने बहुत भारी मतों से जीत दर्ज की है यहाँ, और लोगों ने एक विश्वास जताया है, कहीं कहीं नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है उसके ऊपर लोगों ने मोहर लगाई है, नहीं, तो ये बात तो पार्टी ठीक है, लेकिन जी प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर भाजपा ने जरूर सत्ता में वापसी की है, लेकिन इस बात को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि जो स्थानीय नेता है उनके प्रभाव को भी नकारा नहीं जा सकता। यही वजह है कि आज भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व, चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को आ चुके हैं और आज 8 दिसंबर हो गई, यानी 5 दिन बाद तक पर्यवेक्षक ही नियुक्त कर पाया है। इसका साफ साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व पे सीएम को लेकर कड़ी चुनौतियां हैं स्थानीय लीडरशिप से। उन चुनौतियों को संभालते हुए, उन असंतुष्ट नेताओं को अपने साथ रखते हुए लोकसभा चुनाव की जीत को प्रबल दावेदारी के रूप में जो पेश कर रहे हैं उनको भी साथ लेते हुए ऐसा सर्वमान्य नेता चुनने की चुनौती जो केंद्रीय नेतृत्व के सामने है वो जरूर कहीं ना कहीं इसी प्रेशर का ही परिणाम है। अब उसको तय करने के लिए ऐसे सूझवान और सुलझे हुए नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया गया है। बिल्कुल, काफी आपने अच्छे तरीके से आपने जानकारी दी। तो मुझे भी यही लगता है कि जो तीनों राज्यों में सेम यही है कहानी, और जल्द ही अगर कल या परसों में अगर विधायक दल की बैठक हो जाती है तो सीएम के नाम की भी घोषणा, मुझे लगता है विधायक दल की बैठक से पहले घोषणा हो जाएगी सीएम के नाम की। नहीं, विधायक दल की बैठक में ही घोषणा होगी, और इस बार जो नई चीज सामने आ रही है वो लगभग तीनों राज्यों में दो दो डिप्टी सीएम भी होंगे। उसका कारण ये है कि दावेदार ज्यादा हैं, उनको संतुष्ट करना है इसलिए डिप्टी सीएम बना के उनको संतुष्ट करेंगे। ये सब जानते हैं कि असंतुष्टों को भी साथ रखना भाजपा की मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव नहीं होता तो हो सकता भाजपा अब तक सीएम सीधे डिक्लेयर कर देती, परंतु बिल्कुल विधायक दल की मीटिंग में ये भी साथ लेना जरूरी है। और जिन नेताओं का नाम आ रहा है आज, किरोड़ी लाल जी मीणा अगर सीएम के दावेदार नहीं है तो डिप्टी सीएम के दावेदार तो पक्का है। क्यों? क्योंकि बीजेपी की पार्टी से केवल और केवल मीणा समाज के 24 विधायक जीत के आए हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। राजपूत समाज से कहीं ज्यादा मीणा समाज के विधायक बने हुए हैं, इसी वजह से पार्टी पर भी इस बात का दबाव है कि मीणा समाज से मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम उप मुख्यमंत्री तो होना ही चाहिए। तो आप हमारे साथ इस चर्चा के लिए जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तो थैंक यू। धन्यवाद।